भाई आपका ड्रमिंग वाला सीन भी रहा, यू वर अ ड्रमर एट वन पॉइंट. या आई इनफैक्ट व्हेन आई वाज रियली आई हैड ऑलवेज अ इंक्लिनेशन ऑन रिदम थिंग लाइक ओके. तो मैं तबला सीखा था, बहुत बड़ा गुरु थे वो. ओह यस, दादा कंतन होंगी. देन आई स्टार्टेड लर्निंग ड्रम. मेरा मतलब इट वॉज विथ मी. अभी भी ड्रम कहीं पे कोई सेट पे अगर ड्रम आ जाए ना, हाँ जी, तो मैं शॉर्ट दे के वहीं पे बैठ जाता हूँ. तो दैट इज़ माई आई लव एनी थिंग रिदम लाइक ढोल लाल तबला ड्रम. तो मैं अच्छा हम लोग का एक छोटा सा दैट टाइम बैंड वॉज नॉट दैट पॉपुलर बट हम लोगों ने एक छोटा सा बैंड बना लिया था. मतलब क्या नाम था याद है आपको? तूफान मेलोडी. अरे वाह, ये कैसा भी भूल सकता हूँ. और माय कजन वाज लिटिल सीनियर टू मी दैट टाइम. जस्ट दिस अकॉर्डियन थिंग केम, यू नो. या अकॉर्डियन. ओ अकॉर्डियन वाज न्यू दैट टाइम. न्यू. ओ वाओ. तो बिकॉज़ वी वर किड्स, हां जी, वी फर्स्ट बॉट दैट स्मॉल अकॉर्डियन. हां जी, जो आप देखोगे राज कपूर जी का मेरा नाम जो करते हैं. सो फर्स्ट वी बॉट दैट, देन वी बॉट द बिग वन. बट या आई स्टिल हैव दैट पैशन ऑन म्यूजिक. माई डैड इज अ वेरी गुड सिंगर इन अ वे. ही हैड लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड खुद बहुत अच्छा गाना गाते थे. नहीं, मेरी वाइफ बोली आपकी भी आवाज में एक है बैरिटोन बढ़िया वाला. आप भी गाते होंगे. गा लेता हूं. है गाना. म्यूजिक इज इन देयर विद अस. सुना सकते हो आप अगर आप चाहो तो कुछ भी. हमें वी आर रेडी टू लिसन टू व्हाटएवर यू मे हैव फॉर अस. जी हां. जब मैं आई एम सिंग या ठीक है, मैं एक छोटा सा दो लाइन का. यस, लेट्स व्हाई नॉट. या डेडिकेटेड टू माय डैड एंड रफी साहब. ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की. कभी तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कहीं नन हो गई है नाम की. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की. तो हम लोग क्या ऐसा इंटरनेट की वजह से थोड़ी आनंद ले लेते हैं इस बात के कि हम बता सकते हैं लोगों को कि आपकी कोई फेवरेट स्लैंग हो तो आप बता दो टाइप्स प्यार से. जैसे क्योंकि वो आजकल हेलो आया है ना अपना, तो आप मित्र से कैसे मिलोगे नहीं तो. हाँ. तो मैं एक चीज आपको एग्जांपल एक कहानी बता दो. कुछ साल पहले, मतलब कई साल पहले इनफैक्ट, प्रदीप दा वाज शूटिंग फॉर अ बंगाली हिंदी फिल्म इन कोलकाता. जी. तो मेरे को पता पुरी नीता. हाँ. तो मुझे पता चला कि शूट बंद है. फिर प्रदीप जी की प्रदीप दा और सब लोगों ने मेरे को फोन किया, यार शूटिंग बंद है. तो मैंने बोला यार शूटिंग क्यों बंद है, इतना बड़ा यूनिट आया. हाँ. तो भाई स्टॉप शूटिंग. तो मेरे को पता चला कि कोई यूनिट का असिस्टेंट क्या प्यार से है, जो है बॉम्बे में प्यार से गाली रहते हैं ना. हाँ. तो किसी को बोल दिया एंड दे फेल्ट इट इज अ गाली. I don't want to utter that word. यहाँ पे तो वही कैजुअल होता ना, मतलब लाइक बोका चौदा और बेंच. यहाँ से मतलब अच्छा इधर वाला बोल दिया बेंच कर लेना यार. उनका फेडरेशन वाले लोगों को मैंने बोला सुन तू चल मेरे साथ बॉम्बे में. लोग प्यार से बोलते हैं ये. करेक्ट. और हम लोग भी प्यार से बोलते हैं ये. उसमें वो मतलब डोंट टेक इट इन दिस बैड वे. यस. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को प्यार से बोलने से अलग लगते हैं और आप गुस्से में बोलने से उसी को अलग लगता है. सही बात बोले. सो आई थिंक दैट इज फाइन. आई मीन दैट इज ग्रेट.